सागर की बहुचर्चित सेमरा लहरिया मामले में एक और नई वारदात सामने आई है। बीते दिनों सागर जिले में घटित बहुचर्चित सेमरा लहरिया कांड में एक और नया मोड़ सामने आया है, जिसमें पीड़िता पक्ष पर मृतक राहुल के परिजनों द्वारा धमकी देने की बात सामने आई है, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष जिला प्रशासन सहित आईजी महोदय को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग कर रहा है। वहीं खबर लिखे जाने तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नरयावली थाने के एएसआई पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही की बात भी सामने आई है। इस मामले में लगातार हो रहे प्रदर्शन और प्रशासन की ढील के चलते यह मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। बीते दिनों सागर जिले के ग्राम सेमरा लहरिया में इसी मामले के चलते एक और नया मोड़ सामने आया है, जहां राहुल यादव के चार परिजनों द्वारा शर्मा परिवार के एक वृद्ध रिश्तेदार के घर में घुसकर उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित शर्मा पक्ष की माने तो उनके साथ मारपीट कर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी राहुल यादव के परिजनों द्वारा दी गई है। तो उसकी एफआईआर दर्ज ना करके पुलिस द्वारा शिकायती आवेदन देने की बात कहकर उन्हें थाने से चलता कर दिया गया। नरयावली थाने के स्टाफ द्वारा कार्रवाई ना होने पर थक हार कर पीड़ित परिवार ने सागर पहुंचकर जिला कलेक्टर और आईजी को ज्ञापन सौंपा है। यहां हम आपको बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की बात भी कही जा चुकी है, मगर अभी तक इस जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई बात सामने ना आने के कारण ब्राह्मण समाज भी आगामी दिनों में प्रशासन के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है, ताकि जल्द से जल्द पीड़िता पक्ष को न्याय दिलाया जा सके। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? कैलाश प्रसाद शर्मा, सेमरा लहरिया का निवासी हूँ। जी बताइए, कल क्या घटना हुई आपके साथ में? 16 तारीख को मेरे को घर से बाहर घर में आगे घुस के मारा उन लोगों ने और बाहर खींच के ले गए। किसने मारा? प्रकाश यादव, उमाशंकर यादव और रामदयाल यादव और एक लोग और था कोई उसको। ये किस घटना को लेकर, किस मामले को लेकर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया? वो ये राहुल हत्याकांड के मामले में। किस मामले को लेकर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ था मेरी मनेजन के साथ, उसको लेकर ये लोग बोल रहे हैं कि आप कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलोगे तो तुम्हें जान से मारेंगे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा एक लड़का है उसको भी गोली मार के खत्म कर देंगे और घर में आग लगा देंगे। ये लोग जो आपके घर आए थे, ये राहुल यादव के कोई रिश्तेदार? राहुल यादव के चाचा लोग। अच्छा, उनके मतलब घर के ही हैं सारे लोग। इस बारे में आपने कहीं प्रशासन ने क्या किसी पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ सर, शिकायत की थी, नरयावली टीआई साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो। आज सागर में भी कलेक्टर साहब के यहाँ, महोदय जी के यहाँ देके आए। आपने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, किसी प्रकार की कार्यवाही हुई थी? अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन कल देंगे सर। आज क्या आश्वासन मिला आपको? जी आज का मिला। आज क्या आश्वासन मिला आपको आईजी ऑफिस से? अब जी बोला कि आपके साथ न्याय करेंगे, न्याय चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।